क्या बोलती पब्लिक, डिस्ट्रॉयर फैमिली, व्हाट्सएप, अच्छे हो ना? तो आज अपन दोबारा से खेलने वाले हैं रियल क्रिकेट 20 और ऐसी बॉलिंग करूंगा मैं, ऐसी बॉलिंग करूंगा कि किसी ने सोची ना होगी। साथ ही साथ इसमें बॉलिंग ट्रिक के बारे में बताया हूँ, तो देखो आप कैसे विकेट लेते हैं, देख लो, कुछ सीख लो मेरे से। ऐसे विकेट लिया जाता है, ऐसे विकेट लेते हैं। अबे क्या कर रहे हो ये, इतनी लंबा इंट्रो दिया साले, थोड़ा सा तो इज्जत रख लो, विकेट तो दे दो। कहा था नहीं देंगे ये लोग। स्कीम फेल के है यार, तू पागल है क्या? अबे तू पागल, तेरी मां अबे मजाक बना के रखे हो यहाँ पे, पब्लिक की फीलिंग को नहीं समझते हो? या अब मैं जा रहा हूँ सीधे न्यूट्रलस वालों से सीख के आऊंगा बॉलिंग, वही लोग मुझे सिखा सकते हैं, मुझे अब नूब से प्रो बॉय बनाएंगे। A few moments later. लात मार के भगा यहाँ से, भगा नहीं तो लात मार के देखो भगाऊंगी। मुझे बॉलिंग करना कौन सिखाएगा? मेरे पास और भी काम है, तू यहाँ पे टाइम पास मत करने, तो मैं तेको लात मार के भगा दूंगी। निकल यहाँ से, साला बॉलिंग करते आता नहीं नूब कहीं का, भाग यहाँ से। म्यूजिक जी सो कि तुमने देखा कि यहाँ पे न्यूट्रलस वालों ने मुझे बॉलिंग ट्रिक बताने से क्लियरली मना कर डाले, वो भी ठीक है, लेकिन यार लास्ट में ऐसा क्यों बोले कि इसको मार के भगा दूंगी? वो भगाने के लिए वो गार्ड को बोले, वो गार्ड ने मुझे लात से मारा, हाथ से मारा, देखो से मारा, जूतों से मारा, वो देखिए सब कुछ तोड़ दिया। अरे जो जो चीज मिली सबसे मार के मुझे वहां से दफा किया। चीटिंग करता है तू। तो इसीलिए मैंने रियलाइज किया कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही बॉलिंग ट्रिक ढूंढना पड़ेगा, एंड इसी कारण मैं रेगुलर रियल क्रिकेट 20 खेलने लगा। और खेलते खेलते इतना खेला कि 1000 का हो गया मेरा IQ लेवल, और फाइनली मैंने अपने 1000 के IQ लेवल से ये बॉलिंग ट्रिक ढूंढ ही निकाला। तुम में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे होगे कि साला क्या कर दिया इन्हें आखिर ऐसा कि इसको विकेट मिलने लगे, हमारे साथ तो ऐसा होता नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ, मैंने कुछ ऐसी बेसिक टिप्स को फॉलो किया, मतलब किसी और की नहीं, मेरी खुद की, जिससे कि मुझे पता चल गया कि इस लेंथ पे बॉल डालूंगा ना तो बैट्समैन हगेगा, और उस लेंथ पे मैंने बॉल डाला तो मुझे विकेट मिला। अब तुम लोग यही सोचोगे कौन सी लेंथ है, तो रुको जरा, सबर करो, ऐसा नहीं बोलूंगा, चलो अब बता ही देता हूँ तुम लोगों को, सस्पेंस खत्म करते, बहुत ज्यादा हो गया। तो ये रही बॉलिंग ट्रिक, ये रही राइट हैंडर की बॉलिंग ट्रिक, याली लेंथ मारना है तुम लोगों को, देख रहे हो क्यों कहाँ पे, एंड ये थोड़ा तुम आगे कर सकते हो कि वाइड ना हो, एंड बॉल टाइप भी तुमको इन स्विंग मारना है फुल सीम के साथ, और स्पीड कम ज़्यादा करते रहना है। अब मैं ये स्पीड एग्जैक्ट इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि स्पीड आप या तो स्लो भी फेंक सकते हैं, तेज भी फेंक सकते हैं, बट यहाँ पे तुम लोगों को जो विकेट मिला, मतलब मुझे जो विकेट मिला वो मैं तुमको थोड़ा सा और डिटेल से समझाता हूँ। लुक, ये जो बॉल आई, अच्छे से देखो यहाँ पे किस जगह पे टच हुई है, लुक दिस पॉइंट, यहाँ पे बल्ले के एकदम चुम्मा चाटी करके गई है, हल्का सा किस करके गई है उसको, तो ये कैच उठा है। सोचो अगर बल्ले के परफेक्ट आ जाती तो कहाँ चल जाती, बाउंड्री के बाहर चली जाती। तो ये चीज़ को तुमको ध्यान रखना है कि जब ये तुम बॉल फेंको तो देखो यहाँ पे वाइड लाइन जो दिख रही है, कितना गैप दिख रहा है बॉल का और उसका, तो ऐसी बॉल भी तुम डाल सकते हो कि वाइड लाइन से थोड़ा सा ही हल्की इधर रहे ताकि वाइड ना हो, तुमको विकेट भी मिल जाए। उससे ये होगा कि ज़्यादा दूर रहेगी तो बैट्समैन की हिट में एज लगने का खतरा रहेगा और उसको, मतलब तुमको विकेट मिल जाएगा। अच्छा, ये जो वाइड और ये गेंद के बीच का जो डिस्टेंस है ना, काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है तुम्हारी विकेट लेने की टेक्निक पे। तो ये जो मैं बॉल फेंक रहा हूँ ये मेरे से परफेक्ट इसलिए नहीं जा पा रही क्योंकि मैंने कैमरा क्लोज वाला इनेबल नहीं करा हूँ, तो तुम लोग क्लोज वाला कैमरा यूज़ कर सकते हो क्योंकि उससे परफेक्ट गेंद डाल पाओगे तुम, और तुम लोग एग्जैक्ट प्रिडिक्ट भी कर पाओगे कि गेंद वाइड तो नहीं होगी, बट इसमें प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, सो मैं रिस्क कम लेना चाह रहा हूँ इसीलिए ये मेरा हाल हो रहा है। जो अगर आप रिस्क कम लेना चाहोगे तो आपको कुछ इसी टाइप से प्रसाद मिलता रहेगा थोड़ी थोड़ी देर में, तो अगर कम रिस्क लेना है तो यही करना पड़ेगा। एंड अब राइट हैंडर के बाद लेफ्ट हैंडर की ट्रिक बता दूं, तो लेफ्ट हैंडर में तुम लोगों को कौन सी लेंथ डालनी है
तो ये वाली लेंथ डालनी है। प्लस स्विंग पूरी फुल करना है। एंड बात रही स्पीड की तो वो कम कर सकते हो। एंड रिजल्ट कुछ इस टाइप से तुमको देखने को मिलेगा, मतलब एग्जैक्ट इस टाइप का नहीं, हो सकता है वहाँ पे बाउंड्री के पास कैच हो जाए, हो सकता है यहाँ पे स्लिप में दूसरी स्लिप में कैच हो जाए, मतलब कैच होएगा तुम लोगों का कन्फर्म है, छक्का नहीं जाएगा अगर थोड़ी सी और वाइड करते हो तो। क्या बात है। तो इतने ज़्यादा मुंह दुखाने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि अब रियल क्रिकेट 20 में तुमको बॉलिंग में तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। नहीं, तुमको क्या लगा मैं ऐसा बोलने वाला हूँ? अबे हो सकती है तुम लोगों को प्रॉब्लम अगर तुम ये लास्ट पॉइंट नहीं सुनते हो तो। तो दोस्तों अभी मौका आ चुका है इस वीडियो का, बल्कि इस वीडियो का जो सबसे मेन पॉइंट है उसको बताने का। तो वीडियो को तुमने अगर बंद नहीं किए हो तो अपने कान को खोल के सुनना, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अपने गुस्से को कंट्रोल करना इस बात को सुनने के बाद, क्योंकि डेफिनेटली इसका तुम मुझे मारने ज़रूर से आओगे। तो ये जो ट्रिक है ये सिर्फ और सिर्फ अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चलो बता देता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ सुपर ओवर के लिए। इसी टाइम के लिए मैंने अपना एड्रेस लीक नहीं किया। मुझे मालूम है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती ना तो तुम लोग डेफिनेटली मुझे मारने के लिए अभी तो कंफर्म ढूंढ ही रहे होगे मेरा एड्रेस चैनल में कहीं ना कहीं। एक बार हाथ में आ जाए साले को बम से उड़ा दूंगा, इसीलिए मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन एक बात और सुन लो, हो सकता है इसके बाद तुम्हें मुझे मारने का मन ही ना करे, बल्कि बोले भाई बहुत अच्छा किया ये ट्रिक बता के। तो बोलोगे ऐसा क्या बताने वाला हूँ? बताने वाला ये हूँ मैं कि इस वीडियो पे अगर तुमने 500 लाइक्स कंप्लीट कर दिए, ध्यान से सुनो, 500 लाइक्स प्लस 50 कमेंट, वो भी अच्छी वाली गाली भी बक सकते हो, वैसे मैंने किया हूँ वो काम, अगर कंप्लीट कर देते हो तो 5 लकी बंदे को मैं दूंगा सुपर ओवर का गिव वे। अगर ये गिव वे चाहते हो तो लाइक्स का टारगेट और कमेंट का टारगेट कंप्लीट कर दो। बता हरामी हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।